पुणे में एक लग्जरी कार की टक्कर से दो लोगों की मौत हो गई थी। पुलिस ने इस मामले में कार्रवाई करते हुए नाबालिग आरोपी को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन कुछ ही घंटे बाद आरोपी को कुछ शर्तों पर जमानत मिल गई। इस पर अब उद्धव गुट के सांसद संजय राउत ने कई सवाल खड़े किए हैं। पुणे पोर्शे कार हादसे पर शिवसेना सांसद संजय राउत का कहना है, पुलिस कमिश्नर को निलंबित किया जाना चाहिए क्योंकि उन्होंने आरोपियों को बचाने की कोशिश की है। एक युवा कपल की हत्या कर दी गई और आरोपी को दो घंटे के भीतर जमानत दे दी गई। वीडियो में देखा जा सकता है कि वह नशे में था, लेकिन उनकी मेडिकल रिपोर्ट नेगेटिव थी। आरोपी की मदद कौन कर रहा है, ये पुलिस कमिश्नर कौन है, उन्हें हटाया जाना चाहिए, नहीं तो पुणे की जनता सड़कों पर आ जाएगी। पुणे में एक लग्जरी कार की टक्कर से दो लोगों की मौत हो गई थी। पुलिस ने इस मामले में कार्रवाई करते हुए नाबालिग आरोपी को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन कुछ ही घंटे बाद आरोपी को कुछ शर्तों पर जमानत मिल गई। इस पर अब उद्धव गुट के सांसद संजय राउत ने कई सवाल खड़े किए हैं। पुणे पोर्शे कार हादसे पर शिवसेना सांसद संजय राउत का कहना है, पुलिस कमिश्नर को निलंबित किया जाना चाहिए क्योंकि उन्होंने आरोपियों को बचाने की कोशिश की है। एक युवा कपल की हत्या कर दी गई और आरोपी को दो घंटे के भीतर जमानत दे दी गई। वीडियो में देखा जा सकता है कि वह नशे में था, लेकिन उनकी मेडिकल रिपोर्ट नेगेटिव थी। आरोपी की मदद कौन कर रहा है, ये पुलिस कमिश्नर कौन है, उन्हें हटाया जाना चाहिए, नहीं तो पुणे की जनता सड़कों पर आ जाएगी।